Welcome back, student. You are watching Alchemist Academy, and I am your educator Mayank. So, student, previous video में अपने introduction video में हमने पढ़ा था कि life process है क्या. जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो introduction में जाके life process को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे. लेकिन मैं revise कर रहा हूँ कि life process है क्या. भाई simple सी बात है कि एक life को हम अच्छे से कैसे survive कर सकते हैं. life को survive करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है या कौन कौन से प्रोसेस हमारी बॉडी करती है, उन सबको ही हम कंबाइंडली क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं. तो जब ये बात आती है प्रोसेस की, तो बहुत हमने 8 टाइप के प्रोसेस पढ़े थे. इसमें रिस्पायरेशन था, रिप्रोडक्शन था, ग्रोथ थी, पूरे 8 टॉपिक्स थे. उसके बाद हमने आज क्या करना था कि सिंपल सिंपल टॉपिक्स को एक एक करके क्या करना था, डिस्कस करना था. ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक था वो था रिस्पायरेशन. तो बात आती है कि रिस्पायरेशन है क्या. तो रिस्पायरेशन हमने उसी दिन डिस्कस किया था कि रिस्पायरेशन है क्या. तो उस दिन के डिस्कशन में बात आई थी कि गैसियस एक्सचेंज या ब्रीथिंग करना, उसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं, है ना. एक टर्म खुल के आया था, टर्म को हमने ज़्यादा बार बार उसको डिस्कस किया था आपस में कि वो सिंपल सा एक लाइन था कि ऑक्सीजन का इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, इसे ही क्या कहते थे हम लोग, रिस्पायरेशन कह रहे थे. तो आज हम फर्दर उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे और ब्रीफली पढ़ेंगे कि रिस्पायरेशन है क्या. तो भाई रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन एक गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस है, ये हम समझ गए. और जो रिस्पायरेशन होता है स्टूडेंट, वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है. जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक हम ह्यूमन बींग्स, है ना, उनमें लंग्स के थ्रू होता है रिस्पायरेशन. इसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है. लंग्स क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे हमने पहले भी पढ़ा होगा या हम जब 9th में होंगे तब हमने पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आने वाले वीडियोस में हम उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे. उसके बाद कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू होता है. वो कौन से एनिमल होते हैं, लाइक फिश, यानी वो पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर, वो डजेंट मैटर. अगर फ्रेश वाटर में भी है तो भी गिल्स होंगे, अगर मैराइन बॉटल में भी है वाटर में तब भी गिल्स प्रेजेंट होंगे. तो फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फिशरीज के होते हैं या जो रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स उनमें भी गिल्स के थ्रू होता है ना. तो फिशेज में भी गिल्स के थ्रू होता है. तो जो हमारा फिशेज होती हैं उनमें गिल्स के थ्रू होता है, और जो हमारे मैमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन होता है. ओके, और क्या हम पढ़ सकते हैं रिस्पायरेशन के बारे में, कुछ टर्म्स और ऐसे जो निकल के आए हम अपनी नोटबुक में लिखे, हमारी नोटबुक और अच्छी लगे, एग्जामिनर और अच्छे से हमें मार्किंग करे. तो एक हम ये बोल सकते हैं कि हमारा फूड ब्रेक डाउन कर होता है किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा. यानी ऑक्सीजन हमारे फूड का ब्रेक डाउन करती है और फिर उससे क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है. एनर्जी बनाती है, उससे ही क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं. उसे क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं. यानी ऑक्सीजन के थ्रू हमारे फूड का ब्रेक डाउन करके क्या बनाना, एनर्जी का फॉर्मेशन करना, यही क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है. तो फ्रेंड्स हम आज इसे दोबारा से प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि रिस्पायरेशन है क्या. तो देयर इज अवर टॉपिक रिस्पायरेशन. तो फर्स्ट क्या देखते हैं, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन एन ऑर्गेनिज्म. क्या हो गया, एक ऑर्गेनिज्म में गैसियस एक्सचेंज को ही हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं. आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी. सेकेंड पॉइंट क्या है, रिस्पायरेशन एट अ सेलुलर लेवल हाउएवर रिफर्स टू द ब्रिंग ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी. यानी अभी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे एनर्जी फॉर्मेशन भी कोई भी हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं. यानी हमारे एनर्जी फॉर्मेशन को भी हम रिस्पायरेशन कहते हैं. फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है, एवरी ऑर्गेनिज्म has their own methods to breathe. हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अपना क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है ब्रीथ करने का. लाइक फर्स्ट वन इज इन ह्यूमन्स इट इज डन बाई लंग्स. ह्यूमन्स में क्या होता है, किसके द्वारा रिस्पायरेशन होता है, लंग्स के द्वारा होता है. सेकेंड वन इज सम ऑर्गेनिज्म लाइक फिश, अभी हम इसकी बात कर रहे थे, हमने इस बारे में बहुत सी बातें करी. इसमें क्या होता है, इट इज डन बाई गिल्स. फिश में किससे होता है, गिल्स से होता है. So, ये रहा हमारा आज का टॉपिक. अब इसके बारे में हम और फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि रिस्पायरेशन के टाइप्स क्या हैं. तो दो टाइप निकल के आते हैं, एनारोबिक एंड एरोबिक. एनारोबिक में क्या होता है, ऐसा रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. सिंपल सी एन लग गया, यानी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट नहीं है. और अगर एरोबिक की बात आती है यानी एयर,
एरोबिक से हम क्या समझ सकते हैं, एयर, तो वहां पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, सिंपल सी बात हम समझ गए, एनारोबिक जहां पे ऑक्सीजन नहीं है और एरोबिक जहां पे ऑक्सीजन है। अब एनारोबिक और एरोबिक को भी हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, फिर हम जाएंगे इसके डिफरेंस पे, डिफरेंस हम पढ़ेंगे एनारोबिक और एरोबिक के नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज हम जानेंगे कि एनारोबिक और एरोबिक होता क्या है। एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, तो हमने पढ़ा था जहां पे ऑक्सीजन की अब्सेंस में रिस्पायरेशन हो रहा हो उसी को हम क्या कहेंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। तो अब हमें पढ़ना है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता क्या है और ये कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, हम कहेंगे कि एनारोबिक रिस्पायरेशन आपका ये टॉपिक है, तो क्या होता है, सिक्स कार्बन की सुगर, जिसे जनरली हम अगर कोई ले तो ग्लूकोज होती है, क्या होती है, ग्लूकोज, इसका ब्रेकडाउन होता है किसमें, थ्री कार्बन की सुगर में। और ये थ्री कार्बन की सुगर कौन सी है, उसे हम कहते हैं पाइरूवेट, क्या कहते हैं, पाइरूवेट। ठीक, ये प्रोसेस होता है, यानी थ्री कार्बन की सुगर का ब्रेकडाउन होता है पाइरूवेट में, ठीक है, सॉरी, सिक्स कार्बन की सुगर का ब्रेकडाउन होता है थ्री कार्बन की सुगर पाइरूवेट में। सो स्टूडेंट, अब ये कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, या ऐसे प्रोडक्ट की क्या बनते हैं, कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सो स्टूडेंट, फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि आगे प्रोसीड कैसे कर रहा है हमारा एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो होता क्या है कि जब ये सिक्स कार्बन की सुगर थ्री कार्बन की सुगर में ब्रेक होती है तो बनता है पाइरूवेट, फिर इस पाइरूवेट का फर्दर ब्रेकडाउन होता है किसमें, एथेनॉल प्लस सीओ टू में। ठीक है, अब ये जो एथेनॉल और सीओ टू बना, ये बनता है ईस्ट के साइटोप्लाज्म में, इसमें ईस्ट के साइटोप्लाज्म में, जहां क्या होता है, ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एक प्रोसेस और होता है, यही थ्री कार्बन पाइरूवेट इसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, ये प्रोसेस कहां कंप्लीट होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट होता है मसल्स में, कहां कंप्लीट होता है, मसल्स में, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। तो आज हमने समझा कि एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में होने वाला रिस्पायरेशन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। होता क्या है, सिक्स कार्बन की सुगर का ब्रेकडाउन होता है थ्री कार्बन की सुगर में, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया पाइरूवेट में, और उसके बाद क्या होता है, उसी पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होता है किसमें, यानी ये थ्री कार्बन की जो सुगर थी पाइरूवेट, ये थ्री कार्बन सुगर थी ना पाइरूवेट, इसका ब्रेकडाउन हो गया एथेनॉल और सीओ टू में, जब सीओ टू में इसका ब्रेकडाउन होता है इसे ही हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। फिर हमने पढ़ा कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो एथेनॉल बन के तैयार हुआ ना, इस प्रोसेस की, ये जो होल प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो आज का प्रोसेस जो हमने टॉपिक पढ़ा, बहुत ही इजी, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था, ठीक है, उसे हमने अच्छे से डिस्कस भी कर लिया है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन होता क्या है। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में रिस्पायरेशन, और उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह सिक्स कार्बन की सुगर का ब्रेकडाउन हो गया थ्री कार्बन के पाइरूवेट में, उसके बाद फर्दर थ्री कार्बन का पाइरूवेट ब्रेक करता है और बनाता है एथेनॉल और सीओ टू। ठीक है, हमने ये भी जाना कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है और कहां पे होता है, यानी मसल्स में। ठीक है, हमने ये भी जाना कि जो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था, ये फॉर्मेशन हो रहा था ईस्ट के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जहां ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन।